हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बीड़ बिलिंग को और बीड़ बिलिंग की खूबसूरती को। दोस्तों, बीड़ बिलिंग फेमस है पैराग्लाइडिंग के लिए, और पैराग्लाइडिंग के लिए इसलिए फेमस है क्योंकि एशिया फर्स्ट हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों। पर हिमाचल के बीड़ बिलिंग में बहुत सारी जगहें हैं जो और भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक वाटरफॉल्स। तो हम वो सब एक्सप्लोर कराएंगे, बने रहिए इस पूरी वीडियो में, एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। दोस्तों, हर बार की तरह हमने अपने सफ़र को दिल्ली से स्टार्ट किया है, और दिल्ली से जो बीड़ बिलिंग का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 550 किलोमीटर्स है, जिसको तय करने में हमें 12 से 13 घंटे लगेंगे। तो दोस्तों, दिल्ली से कितनी बसेज हैं, क्या बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय फ्लाइट जा सकते हैं, पूरा सब कुछ बताएंगे डिटेल वीडियो में। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, न्यू लोग जो हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। चलिए आगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंटरटेनर बडी। और आज जा रहे हैं अगेन हिमाचल, और हिमाचल में आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बीड़ बिलिंग को। और अभी हैं हम रास्ते में ऊना, और अभी रुके हैं सब लोग चाय पीने के लिए, और चाय पीते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, और फिर निकलते हैं आगे के रास्ते के लिए, और फिर दिखाएंगे आपको बीड़ बिलिंग और एक्सप्लोर कराएंगे अपने साथ। तो बने रहिए, थैंक यू गाइस, मिलते हैं आगे। हेलो गाइस, तो कांगड़ा में एंट्री कर चुके हैं, और सुबह सुबह का नज़ारा देख रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हैं हम कांगड़ा, और जो सुबह की शुरुआत हुई है वो ही है इन वादियों के साथ। और कांगड़ा से जो बीड़ का डिस्टेंस है वो अराउंड 65 किलोमीटर्स है, तो अभी हमें यहाँ से 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। तो चलिए थोड़ा सा वादियों को निहार लेते हैं, और फिर चलते हैं अपने सफ़र की ओर। ये देखिए कल कल बहता हुआ पानी, और इन्जॉय कीजिए इस पल को, फिर आगे चलते हैं अपने सफ़र की ओर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और ये है ओमिया बीर कैंप जो हमने बुकिंग की थी। मैं दिखा देता हूँ आपको, बहुत ही सुंदर है, और ये बिल्कुल ना लैंडिंग साइट पे, और न्यू प्रॉपर्टी है बिल्कुल। ये है कैंप्स, और ये कैंप्स हैं, और ये है ट्री हट, ये देखिए। तो ये कैंप लिए हैं हमने, और लोकेशन बिल्कुल बहुत ही प्यारी लोकेशन है लैंडिंग साइट पे। तो ये हमारा कैंप है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इन्होंने बैठने के लिए चेयर्स लगाई हुई हैं, और ये है एंट्री। ये देखिए, ये हमारा कैंप, बहुत ही सुंदर शानदार एकदम, दिल खुश हो गया यार। ये अटैच वॉशरूम है, मैं ये है अटैच वॉशरूम, और ये देखिए, वाओ बहुत ही सुंदर गीज़र भी लगा हुआ है, और बिल्कुल साफ जो हम चाहते हैं। आप जब भी कभी ऐसी जगह आते हैं तो आप यही चाहते हैं कि आपका वॉशरूम और रूम क्लीन हो, साफ सफाई। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा है कैंप, और देखिए स्पेशियस वॉशरूम भी है, देखिए आप पूरा अच्छे से, और गीज़र भी लगाया हुआ है, ठीक है। ये है हमारा दोस्तों कैंप के बाहर से, देखिए अमेजिंग व्यूज बिल्कुल, कैंप है वो बिल्कुल लैंडिंग साइट के पास है, तो इसीलिए हमने ये कैंप प्रेफर किया था कि हम लैंडिंग साइट से मतलब
पैदल ही कैंप में आ जाएं ताकि फिर ट्रैवल ना करना पड़े, तो इसीलिए मैंने इस कैंप को प्रेफरेंस दी। और दूसरा बहुत ही नई, बहुत ही शानदार जगह है और नई प्रॉपर्टी है। तो अभी जस्ट हम फ्रेश अप हुए हैं और उसके बाद हम बाहर आए हैं, और बाहर आने के बाद हमने सोचा कि पैराग्लाइडिंग का देख लें कुछ, तो मौसम ऊपर बहुत ख़राब है जहाँ से पैराग्लाइडिंग स्टार्ट करते हैं, तो पैराग्लाइडिंग तो अभी नहीं हो पाएगी। बट कुछ व्यूज़ दिखा देते हैं पैराग्लाइडिंग को लेकर, जो नीचे जहाँ पे लैंड करते हैं, ये हमारे कैंप के पास हमने बताया था, यहाँ पे लोग अपने आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। हवा बहुत अच्छी है और व्यूज़ देखिए आप, व्यूज़ देखते ही बनते हैं। हम इतने पैराग्लाइडिंग स्टार्ट हो उससे पहले कुछ खा पी लेते हैं। ये देखिए हम आए कुछ खाने, यहाँ पे बहुत ऑसम लग रहा है, आगे तो टेस्ट करके देखते हैं। और यहाँ एक भाई गाना भी गा रहा है, ये मेरे साथ जो आए हुए हैं मेरे भाई लोग, सब इंतज़ार कर रहे हैं कुछ खाने की, प्लेट आए प्लेटें लगा के, और ये भाई गाने लगे। तो बस खाने का वेट हो रहा है और प्लेट्स लग चुकी हैं, और अमित जी वेट कर रहे हैं, रोहित जी भी वेट कर रहे हैं कब खाना है, क्योंकि सुबह से बस बर्थडे बिस्किट्स पे चल रहे हैं। तो गाइस ये है पिंडी किचन, वेज नॉन वेज, और मौसम, बैठने का व्यू जहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अमेजिंग व्यूज़ हैं, बिल्कुल अमेजिंग, देख के दिल खुश हो जाएगा, मन एकदम मतलब मस्त चहर। दोस्तों खाना चल रहा है, मैंने सोचा आपको एक बार बता दूं, खाना बहुत टेस्टी है और पनीर एकदम ज़बरदस्त है, और दाल भी बहुत टेस्टी बनी, और साथ में चटनी अलग टेस्ट दे रही है, तो एक अलग ही मज़ा आ रहा है। और मैं प्रेफर करूंगा आप जब भी भीड़ आएँ तो ज़रूर इस रेस्टोरेंट को प्रेफर करें, और रेस्टोरेंट। और मेरे साथ है सचिन जी, सचिन जी खाना कैसा लग रहा है आपको? फील कर पा रहा हूँ, शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मैं प्यार ला देंगे। और जो इनकी हरी चटनी है वो तो क्या कहें, आप कुछ बताएंगे खाने के बारे में? बहुत ही अच्छा, जो मसालों की क्वांटिटी है एकदम बढ़िया, ना ज़्यादा है ना कम है, टेस्ट एकदम लाभदार बनाया हुआ है। आप कुछ बताएंगे रोहित जी? प्रॉपरली कुक है, दवाई है, मसालों का प्रपोर्शन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्ट है। तो दोस्तों देखा, मैंने कभी आपको लगे कि मैंने ही वो दिया है एज ए ब्लॉगर, नहीं, बट खाना सच में बहुत टेस्टी है। तो आप प्लीज़ अगर आप कभी भीड़ आएँ तो यहाँ पे आप प्रेफर कर सकते हैं खाना, और ये नियर बाय लैंड साइड ही है, और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बनाया उन्होंने खाने का, ये देखिए बाहरी। और दोस्तों ये है जो लोकेशन, बीर में ऑन रोड ही है लैंडिंग साइड के पास, और यहाँ पे आपको बहुत सारे कैंप्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारे होटल्स भी मिल जाएंगे, और ये है मेन मार्केट लैंडिंग साइट के पास, और ये जस्ट हमारा कैंप है। मैंने आपको बताया भी था कि अभी एक न्यू प्रॉपर्टी है, तो आप देख भी सकते हैं कि अभी बोर्ड्स वगैरह लग रहे हैं। तो दोस्तों हम कभी भी किसी लोकेशन पे या किसी प्रॉपर्टी पे अगर स्टे करना चाहते हैं तो मेनली हम देखते हैं उस प्रॉपर्टी की लोकेशन एंड साफ़ सफाई, क्लीननेस कितना है। तो दोस्तों लोकेशन तो बिल्कुल ज़बरदस्त है, बिल्कुल लैंडिंग साइट के पास है, तो लैंडिंग साइट की वजह से मैंने प्रेफर किया है। और उसके बाद साफ़ सफाई जो अभी तक हमने देखी वो बहुत अच्छी थी और अच्छी है। बाकी अभी हम पूरा दिन स्टे करेंगे, नाइट स्टे है हमारा यहाँ पे,
तो पूरी जानकारी हम पूरी वीडियो में आपको ज़रूर देंगे। तो बाकी लोकेशन ये बिल्कुल जस्ट ऑन रोड है। तो दोस्तों अब हम पता कर लेते हैं एक बार और कि हमारी जो पैराग्लाइडिंग है वो हो पाएगी कि नहीं। अगर नहीं हो पाएगी तो फिर निकलेंगे हम कहीं और सफ़र पे, कहीं और घूमेंगे। दिल्ली में क्या क्या जगह हैं वो बताएंगे आपको। तो चलते हैं दोस्तों एक बार। अगर आप भीड़ आते हैं और आपका मन है बाइक, स्कूटी, साइकिल, बुलेट लेने का, उससे घूमने का, तो वह सारे ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल हैं ऑन रेंट। दोस्तों हमने बात की थी जिनसे हमने अपनी पैराग्लाइडिंग बुकिंग की है उनके अकॉर्डिंग, और वेदर के अकॉर्डिंग अभी आज पैराग्लाइडिंग नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, बट हमने और भी जगहें पूछी हैं तो एक्सप्लोर करते हैं उनको। बने रहिए वीडियो में दोस्तों।